चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आज से ग्राफ स्टार्ट हो गया है। अगर यह ग्राफ आपका नीट एंड क्लीन रहता है, क्लियर रहता है, तो बस इतना जान जाओ कि आपका नियरली 20% फिजिक्स का क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा। 20% क्वेश्चन फिजिक्स का यहीं से सॉल्व हो जाएगा, इसलिए बी कंसल्टेड। इसको कहते हैं y इक्वल टू mx प्लस c। क्या कहते हैं बेटा? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन। यहां फेयर वेयर m m अभी बताया था m m क्या है? व्हाट इज द m? m क्या? स्लोप। स्लोप, स्लोप मींस एंगल, एंगल मींस tan थीटा। अभी बता चुका हूं। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? यस सर। यस सर। यहां से अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं बेटा। रे एंगल टू टाइप्स का होता है, ध्यान देना प्लीज, एकदम बेसिक से बता रहा हूं। एंगल टू टाइप्स का होता है। एक होगा पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल बताया हूं बेटा, और एक क्या होता है? नेगेटिव एंगल। आप बताइए पॉजिटिव एंगल किस डायरेक्शन में जाता है, जल्दी बताइए। एंटी क्लॉकवाइज। और नेगेटिव एंगल किस डायरेक्शन में जाता है बेटा? क्लॉकवाइज। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? मैं अगर मैं डायग्राम बनाऊं, देखो इसका डायग्राम ऐसे जाएगा और इसका डायग्राम ऐसे जाएगा, सही है ना बेटा? आ जाना। हाँ सर। लिखते चलिए, लिखते चलिए। क्या मैं इसको रफ करूं यहां से यहां तक? यस सर। बी कंसंट्रेट, बहुत अच्छा चीज सीखने को मिलेगा। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि एंगल स्लोप को ध्यान दो, स्लोप पॉजिटिव, मैं बोल रहा हूं स्लोप पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? एंगल बोलो, बोलो एंगल एंटी क्लॉकवाइज। एंगल पॉजिटिव का मतलब डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्या आप सभी बच्चे लाइन क्लियर है? यह लाइन सबका क्लियर है या नहीं है? एंगल पॉजिटिव मींस स्लोप पॉजिटिव मींस एंगल पॉजिटिव मींस एंटी क्लॉकवाइज। क्या यह वर्ड क्लियर है? हाँ सर। क्या यह क्लियर है ना वर्ड? हाँ या ना? स्लोप पॉजिटिव, हाँ सर, एंगल पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे लिख बढ़ो आगे बेटा। हाँ सर। नेक्स्ट वर्ड है स्लोप नेगेटिव। का मतलब एंगल का मतलब क्लॉकवाइज, सही है बेटा? यस सर। स्लोप नेगेटिव मतलब माइनस एम, सही बोल रहा हूं? स्लोप नेगेटिव का मतलब माइनस एम, सही है गलत है? सही है। इक्वल टू माइनस थीटा
क्या सही लिखा हूं? यस सर। देखो ना, अभी कुछ ही देर में तुम लोग फटाफट अब आंसर बताओगे। मैं बढ़ूं आगे? उम्मीद कर रहा हूं स्लोप का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा सभी बच्चे को। स्लोप का कंसेप्ट सभी बच्चे को क्लियर हुआ होगा। बढ़ू आगे? क्या मैं इसको रफ करूं? कुछ तो बोलो यार। यस सर। अब लिखो y इंटरसेप्ट सी सी सी। यहां पे m तो क्लियर हो गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m तो क्लियर हुआ आया ना? m क्या है इसके बारे में क्लियर पढ़ लिए। c c को कहते हैं y इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं? y इंटरसेप्ट या y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट, y इंटरसेप्ट या y कोऑर्डिनेट। मतलब यह c y का वैल्यू है। c क्या है? y का वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिए, y कोऑर्डिनेट, जैसे y इक्वल टू c, c का मतलब क्या? मान लीजिए 2। सपोज y इक्वल टू c, c मतलब हमने 2 माना, तो 2 किधर होगा जल्दी बताइए, बताइए। क्या यह y इक्वल टू 2 होगा? क्लियर हो? अरे बोलो ना, हाँ या ना? हाँ सर। हमने c बोला, इसी को तो हमने c बोला। क्या ये भी हो सकता है y इक्वल टू c इक्वल टू माइनस 2? ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है सर। तो क्या है? y इक्वल टू माइनस 2। क्या y इंटरसेप्ट मतलब इसी पॉइंट पे यह स्ट्रेट लाइन कट करेगा? बढ़ू आगे? Yes, sir. सर ये नहीं समझा सर। कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाऊंगा, रफ करता हूँ फिर से समझाता हूँ। लिख लिए, रफ करूं? मैंने बोला कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहां वेयर सी क्या है? सी इज द वाई इंटरसेप्ट या वाई कोऑर्डिनेट, वाई इंटरसेप्ट और वाई कोऑर्डिनेट। मतलब यह सी जो है वाई कोऑर्डिनेट है, मतलब वाई इक्वल टू सी, और c का मतलब कांस्टेंट। c कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4। मान लीजिए c इक्वल टू 2 माना, तो 2 कहां होगा? y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 हम कहां लिखेंगे? कहां आएगा ये बताइए? y इक्वल टू 2 किधर जाएगा? ये ओरिजिन है, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। क्या सही लिखा हूं? तो यही तो हमारा c होगा, हाँ या ना? बोलिए। यस सर। अगर y इक्वल टू c इक्वल टू माइनस 4 माना, तो किधर जाएगा यह पॉइंट? किधर जाएगा इस एक्सिस पे? किधर जाएगा सर? नीचे। 1, 2, 3, 4, y इक्वल टू माइनस 4, और यही c का है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ सर। लिख लीजिए, फिर से लिख लीजिए।
रफ करूं? नहीं सर। बेटा अब देखिए, हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या देखा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या है? स्लोप का मतलब एंगल, का मतलब बोलिए, स्लोप का मतलब एंगल, का मतलब टैन थीटा या इंक्लिनेशन। क्या हम सभी लोग क्लियर हैं? क्या हम सभी लोग क्लियर हैं? क्या हम सभी लोग क्लियर हैं? यस सर। और सी, यहां पे सी, सी को कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं? वाई इंटरसेप्ट, या आप दूसरे वर्ड में बोले तो वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अब दो मिनट रुक जाइए, कोई कुछ नहीं लिखेगा, बी कंसंट्रेट। अब देखिए ग्राफ बनाने का तरीका मैं समझा रहा हूं, ग्राफ बनाने का तरीका मेथड समझा रहा हूं। बी कंसंट्रेट, बी कंसंट्रेट। हमारा यही इक्वेशन है, इसको हम मानते हैं। सपोज सपोज M पॉजिटिव है और C पॉजिटिव है। M पॉजिटिव है मतलब एंगल पॉजिटिव है। क्लियर हो रहा है? बोलिए। हमने माना कि M पॉजिटिव है मतलब एंगल, एंगल पॉजिटिव है, और एंगल पॉजिटिव है मतलब किस डायरेक्शन में होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, देखो देखो बहुत अच्छा जादू, एंटी क्लॉक। और C पॉजिटिव है का मतलब Y पॉजिटिव एक्सिस होगा या नेगेटिव एक्सिस होगा? पॉजिटिव है। क्या यहां तक यह लैंग्वेज सभी बच्चे को क्लियर हुआ? यह वर्ड सभी बच्चे को क्लियर हुआ? हाँ सर। तो देखिए ग्राफ बना रहा हूं, ग्राफ देखो, ग्राफ देखो, x-axis, x-dash, y, y-dash, origin। पहला प्रायोरिटी होता है y इंटरसेप्ट ड्रॉ करना। क्या ड्रॉ करना? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या है? c है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा ये बताइए? ऊपर जाएगा। चलिए, हमने इसको माना 0, c, सही है, क्योंकि यही वाई का वैल्यू सी होगा। क्लियर हुआ? आ जाना। हाँ सर। अब देखिए यहां से एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। क्लियर? जहां वाई इंटरसेप्ट ड्रॉ किए, एक धीरे सा डॉटेड लाइन खींच दिए। अब एंगल किस डायरेक्शन में है? एंगल किस डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? बोलो तो सही। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज किधर जाएगा? ऐसे होगा, हाँ या ना? यस सर। कुछ नहीं, अब इसको और इसको मिला दो, यही आपका ग्राफ हो गया। इसको और आप इसको मिला दिए, यही आपका ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हुआ? तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ हुआ। मैं मानता हूं कि आपको 1% सिर्फ समझ में आया होगा, सिर्फ 1% समझ में आया होगा। रेस्ट मैं फिर कल रिपीट करूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा, लेकिन 1% तो जरूर समझ में आ गया होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? चलिए कल मैं फिर मुलाकात होगी हमारी। अच्छा अभी लेक्चर है 9 बजे से ना आप लोग का कि नहीं? 9:30 बजे से है ना?
यस सर। हाँ, अब कितने बच्चे नए हैं जिनका आज फर्स्ट क्लास है? आज फर्स्ट क्लास वाले कितने बच्चे हैं? आज जिनका फर्स्ट क्लास है कौन कौन है? निनाद, गवई, और कोई? और कोई? बेटा निनाद, बेटा निनाद। यस सर। क्या मैंने जो समझाने की कोशिश किया क्या आपको समझ में आया सच्चाई के साथ? यस सर। कितना परसेंट मान के चलूं कि आज का लेक्चर मेरा समझ में आया? 10%, 5%, 2%, 1%? बताइए ईमानदारी से सर। 80%। पक्का? यस सर। अरे वाह रे वाह, बहुत अच्छा भाई, तब तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। चलो रेस्ट बच्चे रे, अथर्व कुलकर्णी, दर्शन, हिमांशु, प्रतीक, निखिल, तुम लोग का क्या हाल है भाई? सर 100%। अरे वाह, वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से इस चीज को रिपीट करूंगा, और यह मैं प्रॉमिस करता हूं कि नेक्स्ट क्लास में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आप सीख जाओगे, और पूरी जिंदगी तक, जब तक आप जिंदगी रहेगा तब तक कभी भी नहीं भूलोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक ग्राफ्स नहीं भूलोगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आज की सेवा समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मुलाकात होगा। आप लोग जो नए बच्चे हैं अपने फ्रेंड से, निनाद जैसे आपका आज नया लेक्चर है, हेलो निनाद, आज आपका नया लेक्चर है, आपके स्कूल के या और कोई भी कलीग होंगे, फ्रेंड्स होंगे, तो उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि पांडे सर का फ्री लेक्चर चालू है, वो चाहे तो अटेंड कर सकते हैं, अटेंड करके देखें, अच्छा लगे तो कंटिन्यू करें, अच्छा ना लगे तो कंटिन्यू करें, सिंपल फंडा है, ठीक है ना? यस सर। तो अपने फ्रेंड्स से आप सभी लोग इन्फॉर्म करें, तब तक के लिए नमस्कार। 9:30 बजे से आपका लेक्चर होगा बायोलॉजी का, अभी आपका ब्रेकफास्ट है, तो ब्रेकफास्ट आप भी करिए और हमें भी कराइए, ठीक है? यस सर। चल बाय, मिलते हैं कल।